नोएडा के फिल्म सिटी में स्थित मारवा स्टूडियो में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री द्वारा 3 दिवसीय ग्लोबल फैशन एंड डिजाइनिंग वीक आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर से 40 से अधिक देशों के फैशन और डिजाइन के प्रतिभागी शामिल होकर अपने हुनर से लोगों को रूबरू करा रहे हैं। 3rd ग्लोबल फैशन एंड डिजाइनिंग के पहले दिन के दूसरे सेशन में फैशन एवं डिजाइनिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फैशन शो के दौरान 10 से भी अधिक देश के प्रतिभागियों ने विभिन्न डिजाइनरों द्वारा डिजाइन किए गए परिधानों को धारण कर अद्भुत कलात्मकता का परिचय दिया। कार्यक्रम में देश विदेश से आए हुए फिल्म एवं डिजाइनिंग के जगत से संबंध रखने वाले कई नामचीन हस्तियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें मुख्य रूप से ईशान कैलानी, गर्विता, प्रशांत देवांग, माइकल बेरी और भारत गाबा के साथ कई देशों के हाई कमिश्नर भी इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना ज्योति श्रीवास्तव के पारंपरिक नृत्य के साथ हुई। मारवा स्टूडियो के संस्थापक एवं ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने कहा है कि इस फैशन वीक के आयोजन का उद्देश्य भारत के फैशन डिजाइनरों को दुनिया के अन्य फैशन डिजाइनर्स से जोड़ना है, ताकि हमारी और उनकी संस्कृति का आदान प्रदान हो सके। इसके साथ ही उनमें गुणात्मकता सुधार भी आ सके। संदीप मारवा ने कहा कि मुझे आज ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे पृथ्वी पर ही स्वर्ग उतर आया हो। इतने सुंदर आयोजन को देखकर खुशी से भाव से भर आया। ओ बस इतना सही जोश है। Yes. Don't lose the spirit if there is a rain. Trust me. We have changed the venue and there is a mess in probably in the whole affair, but we cannot show that we are in a mess. We still have the same spirit and we have the same zest to showcase what we have so far produced in the last year as far as the fashion and design department is concerned. Yes, very nice. I'm so happy that some of the very prominent people right here with us. And let's give a big hand to this, all the dignitaries on the stage. Raze Ulfat Chhupa ke dekh liya. Raze Ulfat Chhupa ke dekh liya. Dil bahut kuch jala ke dekh liya. Aur kya dekhne ko baki hai, aap se dil laga ke dekh liya.
The fact is that you can only get success in life if you are passionate about your work, about your business. You have to be truthful to your profession, and you have to have that zest, enthusiasm to achieve something in life. Positive thinking can get you anything and everything in life. That's what I have learned from my own family and from my own circumstances. My dear friends, I'm so happy to see all of you with such a great enthusiasm. We're going to have a wonderful fashion show after a few minutes. And till we have this fashion show, we have a small presentation by young artist by Jyoti Srivastava and group, who are going to present a small item for all of you, just to add on a little more glamour to this beautiful and the most glamorous fashion show. Global Fashion and Designing Week में आस्था मित्तल के द्वारा लिखी गई किताब बाजार ऑफ इंडिया भी लॉन्च की गई। इसके साथ ही फैशन फेस्टा नाम से एक न्यूज़लेटर भी लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी भारत गाबा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सीखने की क्षमता अनंत होती है और वह कभी मरने नहीं चाहिए। सीखने की कला ही व्यक्ति को दूसरों से अलग करती है, और जो धैर्य के साथ इस कला में माहिर होता है वो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। थर्ड ग्लोबल फैशन एंड डिजाइनिंग वीक के अवसर पर शामिल हुए विदेशी मेहमानों ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि संदीप मारवा जी ने फैशन के माध्यम से बच्चों को दिशा देने का ही काम नहीं कर रहे, बल्कि दो देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं आपसी भाईचारे को भी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। माइक ब्रायन ने कहा कि फैशन का अर्थ ही है जो समाज में आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है, वही फैशन का रूप धारण कर लेता है। इस फैशन शो से प्रभावित होकर गैबोन के एम्बेसडर डिजायर कुआम्बा ने कहा कि अगला फैशन शो गैबोन में आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा जी होंगे, और इसका लाभ दोनों देशों को होगा। फैशन वीक में शामिल हुए उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों में मजबूती आएगी। संदीप मारवा जी फैशन एंड डिजाइनिंग के माध्यम से सद्भाव के निर्माण का कार्य कर रहे हैं, वह बेहद ही सराहनीय है। भारत स्वयं में विविधता में एकता का देश है, जहां पर विविध संस्कृति के लोग रहते हैं। इतनी विविध संस्कृतियों से परिपूर्ण भारतीय संस्कृति फैशन एवं डिजाइनिंग के लिए बहुत भविष्य विद्यमान है। बस हमें इन छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने हैं, ताकि आने वाले समय में यह देश और विदेश में जाकर अपने कलात्मकता से लोगों को प्रभावित कर सके और भारतवर्ष का नाम रोशन कर सके। पिछले 3 साल से हम लोग ग्लोबल फैशन और डिज़ाइन वीक की योजना तैयार करते हैं और उसको दुनिया के सामने पेश करते हैं। पहला ग्लोबल फैशन और डिज़ाइन वीक 2017 में प्लान किया गया था, जब 34 मुल्कों की 34 सुंदरियों को यहाँ बुलाया गया था और उनके करकमलों द्वारा इस पूरे फेस्टिवल की, इस पूरे वीक की शुरुआत हुई थी। अब तो ये समझिए कि उन 2017 से 2018 में ये फेस्टिवल और बड़ा हुआ, और आज 2019 के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो आप ये समझिए कि तकरीबन 750 ड्रेसेस को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। तकरीबन 42 कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है और करीब 85 मॉडल इसमें भाग ले रहे हैं। 200 से ज़्यादा डिज़ाइनर इस जिनकी पूरी तैयारी में लगे हुए थे। 600 से ज़्यादा फैशन के स्टूडेंट्स ने इसके पीछे काम किया है, और 300 से भी ज़्यादा देश और विदेश की प्रेस ने इसे कवर करने का उसका पूरा इरादा है। और इन सभी फिगर्स को जब आज दर्शाया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो मुझे अब तक देश भर और दुनिया भर में कोई ऐसा फैशन वीक नज़र नहीं आ रहा जो इतना सारा काम 3 दिन के अंदर कर पाया हो। अगले सेगमेंट के अंदर हम लोग फिर से 9 कंट्री लेके आ रहे हैं। एक ड्रेस दूसरी ड्रेस से आपने देखा होगा बिल्कुल नहीं मिलती, और उस पर बहुत तवज्जो दिया गया है, पूरी रिसर्च की गई है। जिस कंट्री का फैशन शो या ड्रेसेस लेकर हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, उनकी पहले रिसर्च हुई, उस पर प्लानिंग हुई, डिज़ाइनिंग हुई, उनके लिए उनके प्रिंट्स तैयार किए गए, और एक एक डिज़ाइनर ने उसके ऊपर जान लड़ाई है। ये
मेरे कहने के बजाय अगर ये दर्शाया जाए तो मुझे लगता है उसका हमें भी फायदा होगा। इतिहास बनाता है, इसमें क्या ऐतिहासिक होने वाला? ऐतिहासिक तो ये हो गया कि तीसरे के साथ ही ये देश का सबसे बड़ा फैशन वीक बन गया है। आने वाले सालों में लोगों की अपेक्षाएँ जो हैं वो हमसे और भी ज़्यादा होने लग गई हैं। पहले दिन की आज इस संध्या पर ही लोगों ने हमें देश भर और दुनिया भर से मुबारकबाद भेजनी शुरू कर दी है। सुबह से अब तक जितने भी एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स और डिप्लोमेट यहाँ पहुँचे हैं उनकी बातें सुन के और उनका देखते ही बनता है। एक एक एम्बेसडर और हाई कमिश्नर ने हमारे इस कार्यक्रम को सराहा है, क्योंकि हकीकत में तो यही है कि दुनिया का कोई भी देश जब अपनी यहाँ पर एम्बेसी या हाई कमीशन खोलता है तो उसका मकसद तो यही होता है कि वो दोनों देशों के बीच में दोस्ती, यारी और कल्चर को डेवलप करें। वही काम मारवा स्टूडियो, एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया आर्ट्स और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मिलकर कर रही है। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू आई फील इन कमिंग हियर? यस, आई थिंक दिस शुड बी द थर्ड टाइम दैट आई कम हियर, दैट आई हैव द प्लेजर एंड द ऑनर ऑफ कमिंग हियर at the invitation of Dr. Mava. And my feeling is that it gives me great pleasure to be here, and it is always, always something great, because every time I come here, there is a new thing. I was here for the, there were two or three events which I attended. And today I am here because I received an invitation from him, and I couldn't miss it, all the more so because it is the first time that I come to see the Global Fashion and Design Show. And I'm told that there are more than 40 countries which are represented here, so it will be for me a real pleasure to see that. And of course I will avail myself of this opportunity to try and see how my country, which I represent, and Marvel Studio can go into partnership in that particular sector. How do you feel the relationship going from Marvel and with your country? Our relationship is on the increase. It is growing. It is in the process of consolidation. A couple of years ago, we signed an MOU with Marva Studio. It is on the cultural sector, and the MOU is for the creation of Indo-Gabon Cultural Forum. So this is part of the different moves that we have made in order to enhance our relationship with Marva Studio. First of all, thank you, Sandeep sir, to invite me on this event. This is a huge event. I see a lot of people working in this event, and the productivity is up to the sky level. So the students have worked really hard, and I can see the different culture, different countries' culture in the dresses. So I think the students are doing a really superb job, and the management is doing a superb job here. So I think you guys need to promote these things on the digital platform so that world needs to know about that, how good AAFT students are doing over this platform. You have telling about the patience, about telling in the conference about the patience. Yeah. Today's life, students are a bit less in towards the patience. How would you tell to inform? See, I see that patience has, along with the time, patience is nowhere within the students and all. But gradually you need to learn patience. Like, that's why people suggest you to do meditate. Do some yoga in your daily life and all. That's how you learn patience and all. But whenever you start anything, be it your studies, be it your any work, you have to learn patience so that you can be excel in your current field.